ओम शांति। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म है। अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना एक वाकई काम होगा ना। अब यह तो दुनिया का प्रश्न है ना, वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना। बाप कहते मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूं, भारत में पीस थी ना, पीसलेस आत्माओं को वापिस घर ले जाते, तो वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, तो सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते हैं, ऐसा छिप जाते हैं जो सत्य त्रेता में भी कोई नहीं जानते, ऐसा छिपते हैं कोई नहीं जानता सत्य त्रेता, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते ऐसा छिपते हैं। सत्य त्रेता में तो अनुभव नहीं होता क्योंकि वहां तो सुख ही शांति ही है, पवित्रता है, तो किसी चीज की दरकार ही नहीं, तो ढूंढने की भी दरकार नहीं। लेकिन द्वापर कलयुग जब आता है तो आत्मा को खींच होने लगती है कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी कलाएं कम होती जाती हैं तो परमात्मा से जो ये जो संगम ऊपर मिली हुई अनुभूति है वो होने लगती है, धीरे धीरे जागृति आने लगती है कि अरे वो चीज नहीं महसूस हो रही। फिर जब हम संगम पर आते हैं तो आत्मा को टच होता है, तभी तो ज्ञान का प्रकाश मिलता है, और क्या है, तभी तो पता चलता है परमात्मा मिलन क्या होता है। ओके, तो ऐसा छिप जाते हैं ना बाबा हमारे, ऐसा छिप जाते हैं जो द्वापर कलयुग में भी, सत्युग त्रेता में तो कोई जानते नहीं, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानता जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे। नहीं तो ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बातें बना देते हैं भगवान के लिए हम सब, और उस पर यकीन भी करने लगते हैं, वाह 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 वाह, और फिर नाचते भी हैं और गाते भी, सोचते बड़ी महिमा कर डाली, इतनी महिमा तो दुनिया में कोई ना कर सके उनकी जितनी हमने की है। और आज के मनुष्य को कोई बोले तुम तो चोर हो भाई, ये कौन सी महिमा है, बड़े खुश हो रहे, अरे हमने चोर कह दिया उसका, कोई मनुष्य तो एक दूसरे को चोर कैसे कह दिया, कोई भी आप शब्दों का प्रयोग करे तो आपस में काम बनती है, तो सोचो भगवान के लिए कैसे कैसे आप शब्दों का प्रयोग किया, और सोचते हमने बड़ा ही महिमा गा दी, महिमा गा दी, जानते ही नहीं। तो तब तक हम नहीं जान सकते जब तक वो खुद आकर अपना परिचय, अब ऐसा जाने कि सब कुछ जाने है ना, सब कुछ जाने, देवताएं भी नहीं जानते, तो अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रास्ता कोई नहीं जान सकते, ठीक है ना। को आत्मा का तो चलो उस समय अचानक अचानक संकल्प आते हैं तो पता चल जाता है, शरीर तो ये समझते नहीं ना अपने आप को, यहाँ पे तो जैसे शरीर समझ, अब ये संगम ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो, शरीर नहीं समझते हो, तो ये प्रैक्टिस आधा कल्प चलती है, धीरे धीरे देह भान, और उसके बाद तो फिर आपको बताया ही था कि एक बैठ जाएगा और एक अनाउंस करता रहेगा, तुम ये राजा हो, तुम ये राजा हो, मना अहंकार जगाते रहते हैं, जब तक उसको फुल फोर्स नहीं दी जाती है तब तक कैसे राज्य करेंगे, फिर लड़ाइयाँ कर चढ़ाइयाँ कर, इसके ऊपर ही इसका राज्य ले, इसका राज्य कर, शासन कर, ये कर, तो इंसान के बुद्धि के अंदर ये फिक्स हो जाता है कि लड़ाई चढ़ाई ये बिड़ाई इससे ही राजाई मिल सकती है, ये भूल जाता है कि पढ़ाई से भी कोई राजाई मिलती है, तो बेस भूल जाता है। ओके, ये भूल जाता है कि भगवान भी कभी राजाई देता होगा, सोचो तो मनुष्य तो यही सोचता है चढ़ाई उससे करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो उसका राज्य इसका राज्य ये लेंगे, तो ऐसे हम विश्व के राजा बन जाएंगे, और भगवान कहता है ऐसा कोई नहीं बन सकता, मैं बनाता हूँ तुम्हें, चलो आ जाओ पढ़ाई करो, अपने संस्कारों को वो वैसे ही बनाओ जो देवता ही होने चाहिए, बाबा है ना सब कुछ बताते। तो अपनी आत्मा को जानते हैं कौन, देवताएं, परंतु तो बाकी रचता को नहीं जानते। बाप कहते हैं नॉलेज पराय लोप हो जाती है, माना जो आज आप पढ़ रहे हो ना, जो सुन रहे हो, शांति धाम जाओगे सब भूल जाओगे, सत्युग में कहाँ याद रहेगा, कुछ याद नहीं होगा, क्या आदि क्या मध्य क्या अंत, क्या आत्मा क्या बिंदी क्या गुण क्या शक्तियां, कुछ याद पढ़ाई लो, इसीलिए अभी आनंद ले लो इस पढ़ाई का, उसके बाद कुछ याद नहीं रहना। और इसका अगर देखना, जब कोई आत्मा श्री छोड़ देती है तो उसको भी कौन सा अपनी इतनी पढ़ाइयां करके उससे अगले जन्म में कहाँ याद रहता है,
फिर से जीरो से शुरू करो, नहीं तो बाप कहते ही है नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। ये जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं सब खत्म हो जाने हैं, भक्ति मार्ग की एक भी चीज नहीं रहती है। अब भी बाप कहते सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। ओके ओम शांति।